Hey guys, welcome है वंदना एंड गिट्ट ब्लॉग के चैनल में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब मैं ब्लॉग वहां से मतलब कि मार्केट गए थे घर के मंदिर के लिए, क्या क्या मैंने सामान खरीदा कुछ जो भी है तो इसी सारे ब्लॉग में दिखेगा। और मंदिर फाइनली हमारा आ गया है, आप लोग को दिखाते हैं। तो अभी हमारा मंदिर अभी देख लीजिए कैसा दिख रहा है। अभी सब अच्छे से सजा कर रखेंगे। तो पति देव गए हैं उतराने मतलब कि लेने के लिए, नीचे आ गया है मंदिर। क्या जी कहाँ आया है? अच्छा वो आ गया, मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। तो ये देखिए हमारे घर का मंदिर, अभी तो कितना प्यारा अच्छा लग रहा है ना। अभी रैक वगैरह सब बनवा दिए हैं, बस पति देव उधर खड़े हुए हैं। ये वाइट कलर का है, मुझे ऐसे ही बनवाना था, मैंने डिजाइन देकर ही बनवाया है। आ जाएगा जी दो लोग के पकड़ के। तो अभी ये ऊपर चढ़ेगा, खोल रहे हैं, तब तक हम यहाँ जगह बना देते हैं। अभी मैंने सामान वगैरह खरीद कर लाए हैं मार्केट से, सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। ये देखते हैं कैसे सामान वगैरह रखते हैं। इधर देख सकते हैं दोनों लोग पकड़ के लेकर आ रहे हैं, आराम से लेकर आएंगे। अभी ये 5 फुट में बना हुआ है। ये देखिए कौन देख रहा है ऊपर से, आराम से। वजन है क्या? बहुत भारी है। अच्छा आराम से भैया, आराम से। कितना मेहनत लगता है चढ़ाने में। एक ही जीना से सोची, खुला जीना है, आराम से आ जा रहा है, नहीं तो कितनी प्रॉब्लम होती है। कितना मेहनत, एक बार ऐसे होइए। रखो, कितना मेहनत लग रहा है। दो लोग पकड़े हैं, इसमें 3 लोग का सपोर्ट मांग रहा है ना, 3 लोग का सपोर्ट मांग रहा है। 3 लोग क्या करें, वो कैमरे ही नहीं चालू कर रहे थे हम। देखिएगा इस मंदिर फाइनली हमारा घर पर आ गया है। अभी ये मंदिर जो रखा है उसको हटाकर ऐसे रखेंगे। अभी लाइट वगैरह जलेगा ना, थोड़ा लाइट जलाइए तो जी, देख लेते हैं। बोर्ड लेकर आइए ना, नहीं पहुंचेगा तार। ये देखिए लाइट वगैरह लगा जल गया है, थोड़ा धीमा जल रहा है क्या लाइट ना? अंधेरा होगा तब तो दिखेगा, अभी तो दिन है ना, उजाला है, इसलिए हमने लाइट बंद कर दी। लाइट और लगी हुई है, एक कनेक्शन कर लेना आप तो वो भी जलेगा। अच्छा एक लाइट वहाँ ऊपर तो है कनेक्शन, तो उनको तार लगा कर देना चाहिए ना। ये मैंने ऑर्डर पे, रेडीमेड नहीं है ये, ऑर्डर पे बनवाए हैं डिजाइन देकर, लेकिन थोड़ा सा स्पेस की वैसा किए हैं जैसा मैंने बोला था वैसे नहीं, मैंने कुछ इसमें और कहा था लगाने के लिए। हैं वो जो छोटे छोटे खाने नहीं, उसके नीचे भी लाइट बोला था लगाने के लिए। क्या अरे वो तो फाइनली घर का मंदिर आ गया है। अभी एक लाइट इसमें और लगा है, कनेक्शन नहीं हुआ है। अभी इसको हम ओपनिंग करेंगे, अभी सब पैक है देख सकते हैं प्लास्टिक वगैरह से। जब ओपनिंग करेंगे भगवान को सजा देंगे। हाँ और सामान खरीद के लाए हैं, उद्घाटन हुई जो भी हो गया। तो चलिए कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आजकल लोग ऐसे घर में ही बनवाते हैं ना, सही है ना जिसना जब अच्छा। ओम है, स्वास्थ्य बना हुआ है, दिए बने हुए, अरे ऊपर क्या रखेंगे, ऊपर जैसे पूजा पाठ के कपड़े होते हैं, बाकी नीचे तो जगह खुद ही है, खुद ही बना है, ये सब देख सकते हैं खुद ही। तो बने रहिए गाइस, अभी तो सजा देंगे तब तो और दिखाएंगे।
नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, नहाना धोना हो गया, सारा घर का काम हो गया। घर का काम मतलब साफ सफाई, झाड़ू पोछा जो होता है ये सब हो गया। अभी किचन का नाश्ता पानी चाय कुछ नहीं बना है, क्योंकि अरे अब हमको पूजा पाठ करना है, तो पहले नहाना धोना हो गया है। और यहाँ पर हमारा जो मंदिर आया है नी, इसको हम जा रहे हैं अब लगाएंगे। टोटल मार्केट जाकर जो हमारे घर में जैसे पीतल की थाली वगैरह जो भी छोटी छोटी चीज़ें नहीं थे, नए कपड़े भगवान के और भगवान के भोले बाबा के सारे परिवार का एक तस्वीर लेकर आए हैं, जो इस मंदिर में हम विराजमान करेंगे। तो यहाँ रिश्ता देख सकते हैं, अनबॉक्सिंग कर रहा है मंदिर का, ये प्लास्टिक वगैरह जो हटा रहा है। तो ये हमारे जो मंदिर के सामान थे नीचे रखे रहते थे, मैंने इसको निकाल कर एक साइड रख दिया है। अभी वो तस्वीर हटाएंगे, फिर उसके बाद अपना अच्छे से रखेंगे, सारा पूजा पाठ करेंगे और मंदिर अच्छे से सजा धजा देंगे, तो अच्छा लगेगा। आप लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि बंदा जी मंदिर बहुत सुंदर बनवा दिया है। अभी इसके अंदर लाइट वगैरह जलेगा तो और खूबसूरत लगेगा। तो पति देव भी नहा लिए हैं, दोनों लोग मिलकर फटाफट करते हैं। और ये सारा जो सामान है मैंने इस मंदिर के नीचे रह बना रखा है, उसके अंदर आ जाएगा, कुछ भी सामान नहीं दिखेगा, सब अच्छे से सेटिंग हो जाएगा। तो बने रहिए ब्लॉग के अंदर। तो पति देव नहा कर आ रहे हैं, अपना साफ सफाई वहाँ पहले करते हैं, फोटो भी हटाते हैं, इस तस्वीर को अच्छे से पोछेंगे पाछेंगे और खूब अच्छे से मंदिर में रखेंगे। तो चलिए पति देव जल्दी से नहा कर आ जाइए, हम भी दोनों लोग साथ में मिलकर पूजा पाठ करेंगे। और अच्छा दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन भी चल रहा है, भगवान का दिन है, तो अच्छी बात है। तो बने रहिए ब्लॉग के अंदर, मैं अपने मंदिर को सजाता जाकर पूजा पाठ करके थोड़ा थोड़ा क्लिप बीच में दिखा देंगे। खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो बने रहिए ब्लॉग के अंदर, मिलते हैं कुछ टाइम बाद। तो हमने मंदिर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है और वंदा जी देख सकते हैं साफ पानी से कपड़ों से लेके सफाई कर रहे हैं उसकी, क्योंकि वो दुकान से आया है तो धूल मिट्टी कुछ लकड़ी वगैरह जो काम करके आया हुआ है, तो अच्छे से इसको साफ कर रही हैं। हाँ, और ऋषभ देखो शिवाई उठ के देख रहा है, और काफ़ी प्यारा लग रहा है, जब लाइट बंद कर देंगे तो और अच्छा लगता है। ये देखिए क्या लुक आ रहा है, कोई बात नहीं। तो इधर सब बर्तन धुल के रख लिया, फूल माला लोटा, और इधर गंगा जल से मंदिर को धुल रही हैं, छिड़क रही हैं जल, उसको जल छिड़क रही हैं, मंदिर को पवित्र कर रही हैं। सबसे पहले हमारे मंदिर में महादेव विराजमान हो गए हैं, उनका स्थान पहला है और सब भगवान हैं। ऊपर लगा देंगे ना, नहीं आ रहा है वहाँ पे, तो ऊपर लगा देंगे। अरे वहाँ ऊपर टांग देंगे ना, किल लगा के दुर्गा जी के तो आ जाना चाहिए, लेकिन उतना ही बड़ा है ना, लेकिन लंबा आ जाएगा साइड में। बाबू तो बाबू सब भगवान अपनी जगह विराजमान हो रहे हैं। वैसे वो तस्वीर है, हाँ वो जो छोटा छोटा मूर्ति रहता है तो सही रहता है, तस्वीर में थोड़ा तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। लाएंगे जब वो सब लाएंगे तो ये थोड़ा नहला दो ना गणेश जी को, जाओ नहला के ले आओ। तो गाइस यहाँ पर सारे मैंने भगवान को रख दिए हैं, जो चुनरी वगैरह होता है सब कुछ हमने चढ़ा दिया है, और देख सकते हैं फूल वगैरह माला पानी जो प्रसाद होता है जल वगैरह
अच्छे से मंदिर में सब कुछ लगा दिया है और सब भगवान को चढ़ा दिया है। तो मैं ऊपर से वाइस डाल रही हूँ, सोनाक्षी सूट कर रही थी, तो बस दिया बाती करना है और एक एक विधि पूर्वक से किया है। भगवान जो हमने भी भगवान से ये भी बोला, अगर कुछ पूजा पाठ में गलती होगी तो भगवान मुझे ज़रूर माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। आप तो मेरे महादेव हैं। तो यहाँ मैं सोनाक्षी को बोल रही थी कि मुझे अरे थोड़ा सा माचिस दो, तो माचिस दिख नहीं रहा था तो माचिस दे दी है। तो यहाँ पर ये महाकालेश्वर का तस्वीर है, मंदिर के अंदर नहीं आ रहा था तो मैंने बोला कहाँ, तो मैं नीचे साइड की तरफ रख देती हूँ, तो उसको किले से कहीं ऊपर टांगा जाएगा। तो सोनाक्षी देख, बच्चे देख रहे हैं, बड़े उत्साहित हैं। और सामान अभी आपको नीचे फैला फैला दिख रहा है, क्योंकि मंदिर में पहले पूजा कर लेते हैं, जो सामान है मैं बाद में ही इसके अंदर पोछ पाछ के रखूँगी। तो फटाफट करते, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, 11 बज गए थे और सुबह से नाश्ता पानी कुछ नहीं बना था। घर में जब इतने काम हो जाते, एक्चुअली आज संडे भी था, मैं आज रोज़ तो सुबह 10 बजे उठते थे, आज तो मैं 9 बजे उठी थी, तो भी काम जैसे टाइम से नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम अपना दिया वगैरह जलाते हैं और अच्छा लगता है, बहुत मन को शांति मिल रहा था मेरे। शंभू सर में पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी की दर्शन आप। शंभू सर में पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी की दर्शन आप। अपने किस्मत की ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तु भ्यम तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तु भ्यम तुम बोलते चलो। अपने किस्मत की ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तु भ्यम तुम बोलते चलो। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा मंदिर है जो हमने पूजा आज किया है। मैंने अभी रूम का लाइट वगैरह बंद कर रखा है क्योंकि दिन है, तो मुझे ये दिखाना था कि मंदिर के अंदर लाइट जल रहे हैं। अभी एक लाइट और है, देख सकते हैं, अभी इसको नहीं जलाए हैं, अभी केवल ये बैकग्राउंड जो पीछे का है वो जलाए हुए हैं। तो यहाँ हमारा पूजा हो गया है, दिया जल रहे हैं, पीतल का लोटा, पीतल का ग्लास और इसका जो प्रसाद चढ़ाया थे हमने खा लिया है, इसका बर्तन में नीचे रखा है। अभी सारे सामान को अभी हम इसके अंदर रखेंगे और भगवान को अलग अलग बर्तन में, कटोरी और इधर देख सकते हैं इनका भी अलग बर्तन है, इनका भी अलग बर्तन है, और इधर बजरंग बली हैं, इधर लक्ष्मी जी, सबका अलग अलग है। और ये तस्वीर देख रहे हैं, इनका भी हम पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो भगवान होते हैं, नया पुराना कुछ नहीं होता है। बस ये कि जो और तस्वीरें नहीं आ रहे थे तो मैंने साइड रख दिया है और नया लेकर आए हैं, तो उनका पूजा करेंगे। इनको पतिदेव से बोल कर कहीं अच्छे जगह, अच्छे स्थान पर इनका विसर्जन करवा देंगे। और ये मैंने खरीद के लाया था, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भोले बाबा हैं, मेरे पार्वती मैया हैं और गणेश जी, इधर कार्तिक भगवान हैं, इधर नंदी जी हैं और बीच में शिवलिंग भी बने हुए हैं। अभी माला फूल लगा हुआ है, इसकी वजह से नहीं समझ में आ रहा है। तो पूजा पाठ हो गया है और अब चलते हैं, खाना पीना बनाते हैं। अब ब्लॉग को खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा, बहुत ज़्यादा, तो बने रहिए ब्लॉग के अंदर, मिलते हैं कुछ टाइम बाद। तो गाइस मंदिर हमारा कैसा रहा, आप लोग ब्लॉग में तो कमेंट कर रहे हो कि मंदिर बहुत खूबसूरत है, तो मैंने एक्चुअली डिज़ाइन देखकर ही बनवाया था और आर्डर पे बनवाया था, और कितना खर्चा टोटल वगैरह आया था तो वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। पहले मुझे सब कुछ दिखाना है, अभी मंदिर का पूरा मतलब ऊपर से दिखाए हैं, अभी जो ड्रॉल वगैरह बना हुआ है सामान रखने के लिए उसको मैंने नहीं दिखाया है, वो सब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। और ऐसे ही प्यार बनाए रहिएगा, कितने का पड़ा, कितना खर्चा लगा, क्या है, कैसे क्या मजबूती है, सब कुछ नेक्स्ट ब्लॉग में बनाएंगे। बस आप लोग का प्यार और दुआ आशीर्वाद चाहिए,
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार देने के लिए।